वेरी गुड इवनिंग टू एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल एमिनस जो एंड दिस इज रिया कुमारी सो डियर दिस इज अट रिक्वेस्टेड वीडियो आप लोग चाहते थे कि मैं जीके के क्वेश्चन बताऊं और इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फिफ्टी क्वेश्चन टोटल फिफ्टी क्वेश्चन बताने वाली हूं जीके के जो आपके एग्जाम पर्पज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है सो so, डियर इस वीडियो को पूरा देखना वॉच इट टिल एंड एंड यस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए एंड यस yes, वीडियो फिनिश होने के बाद वीडियो को लाइक जरूर करें तो नाउ लेट स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन इज आप लोग साथ साथ ये सारे 50 क्वेश्चन नोट कर ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ देख सकते हो स्क्रीन पे वर्ल्ड ब्लड डोनर डे वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब होता है ये होता है फोर्टींथ जून ठीक है नेक्स्ट है विच प्लैनेट इज द फाथेस्ट फ्रॉम द सन सो राइट आंसर है नेपट्टून ठीक है फाथेस्ट का मीनिंग आपको डेफिनेटली पता ही होगा जो दूर से भी काफी दूर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है विच गैस स्मेल्स लाइक अ रोटन एग सो राइट आंसर इज हाइड्रोजन सल्फाइड एच टू एस इज अ कलरलेस गैस ठीक है तो ये जो है ये कलरलेस गैस है With a characteristic order of rotten eggs, which is denser than air, may pull in lower areas in still conditions. Question number four hai, Hertz is measurement unit of. Yes, dear MS aspirins. आप लोग प्लीज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स जो ये चैप्टर है इससे यूनिट्स अच्छे से कर लेना बिकॉज uh, मैंने आपको वीडियो में भी काफ़ी बार बताई है कि यूनिट्स ज़रूर पूछेंगे आपसे और मेजरमेंट्स भी तो जैसे कि आप पूछा है हर्ड्स का तो आप जानते हैं इसका सिंबल होता है एच जेड सो हर्ड्स इज द एस आई यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी करेक्ट सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ मुन्द्रा थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन सो ये लोकेट करता है मुंद्रा इन कच्छ ठीक है कच्छ कहाँ पे है ये एक डिस्ट्रिक्ट है इन इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात ऑल तो ये जो थर्मल पावर स्टेशन है ये कच्छ में लोकेट करता है जहाँ के गुजरात में है क्वेश्चन नंबर सिक्स है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज लोकेटेड इन सो राइट आंसर हैदराबाद ठीक है हैदराबाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन है इन अ गैलेक्सी कोर स्ट्रक्चर ऑफ अ कोमेट इज नोन एज राइट so आंसर right है इसका न्यूक्लियस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट है वॉट इज एल वन इन आदित्य एल वन सो पहले मैं आपको बता दूं कि ये आदित्य एल वन क्या है आप लोगों ने शायद ये सुना होगा ये इस ये एक स्पेस क्राफ्ट मिशन है ठीक है आदित्य वन इज अ स्पेस क्राफ्ट मिशन टू स्टडी द सन ठीक है तो ये क्या है L1 वन वॉट इज एल वन इन आदित्य सो इसका जो राइट right आंसर है जो L1 है वो है लरेंजन पॉइंट वन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड अर्थराइटिस डे इज अब्जर्वड इन तो आप सब जानते होंगे ये अर्थराइटिस क्या है ये एक जॉइंट इन्फ्लोमेशन है सो so ये कब बनाया जाता है ये अक्टूबर ट्वेल्व एवरी ईयर सिंस कब से 1996 से बनाया जा रहा है ये ठीक है सो अक्टूबर ट्वेल्व को अर्थराइटिस डे बनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन इज रेड ब्लड सेल लाइफ साइकिल आप सब ही पढ़ा होगा लाइफ साइकिल क्या होता है रेड ब्लड का सो so, 120 डेज ठीक है 120 डेज होता है व्हेन मैच्योरड इन अ हेल्दी इंडिविजुअल दी सेल्स लिव इन ब्लड सर्कुलेशन फॉर अबाउट 100 टू 120 डेज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है सो टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस प्लांट्स नीड थ्री थिंग्स सो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए प्लांट्स को तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो कौन कौन सी है वो है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड सनलाइट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको ऑप्शन में दे देंगे ठीक है तो ये तीन ऑप्शन देंगे लेकिन फिर आपको घुमा फिरा के देंगे तो आप लोग प्लीज ऑप्शन करेक्टली पढ़ना ठीक है क्वेश्चन नेक्स्ट है हु इज नोन मिसाइल मैन ऑफ इंडिया राइट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है आप लोगों को पता होना चाहिए सर डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टीन भोपाल गैस ट्रेजेडी इन इंडिया सो so, आप लोगों को पता होगा कि कौन सा गैस था वो ठीक है तो ट्रेजडी कब हुआ ये भी पता होना चाहिए और वो कौन सा गैस था ये भी पता होना चाहिए सो द भोपाल डिजास्टर ऑल्सो रिफर टू एज भोपाल गैस ट्रेजडी ठीक है सो कौन सी गैस लीक थी वो थी मिथाइल आइसोलेट गैस लीक इंसिडेंट ऑन द नाइट ऑफ टू थ्री दिसंबर 1984 ठीक है 1984 दिसंबर ये याद रखना एट द यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड यू सी आई एल पेस्टिसाइड प्लांट इन भोपाल सो भोपाल कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में है इंडिया तो ये गैस का नाम ये याद रखना कब हुआ था ये ट्रेजिडी ये भी याद रखना और कहाँ पे हुआ था यू सी आई एल करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सिन हार्मोन इन प्लांट्स सो ऑक्सिन हार्मोन से रिलेटेड हमने मॉक टेस्ट में क्वेश्चन भी दिए थे सो ऑक्सीज प्रमोट स्टेम इलोंगेशन इन्हीबिट द ग्रोथ ऑफ लिट्रल बर्ड्स मेंटेनेंस एपिकल डोमिनेंस नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऑक्सिन एंड एक है इससे रिलेटेड so, और आप लोग है बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछ सकते हैं सो जुबलेरियंस आर प्लांट हार्मोन्स दैट रेगुलेट वेरियस डेवलपमेंटल प्रोसेस इंक्लूडिंग स्टेम इलांगेशन जर्मिनेशन डॉर्मेंसी फ्लावरिंग प्लांट डेवलपमेंट एंड लीफ एंड फ्रूट सेंसे तो ये सारी जो हैं ये जुबलरिन प्लांट्स हारमोन्स ये रेगुलेट करते हैं काफ़ी सारे वेरियस डेवलपमेंट प्रोसेस ठीक है तो इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हैं ये सारे हारमोन्स के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग सो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स सो राइट आंसर क्या है ड्यूट्रियम ऑल्सो नोन एज अ हैवी हाइड्रोजन इज अ वन ऑफ द टू स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन सो द न्यूक्लियस ऑफ ड्यूट्रियम कॉल्ड ड्यूट्रॉन कंटेन्स वन प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन ठीक है नेक्स्ट है विच स्टेट हैज लॉन्गेस्ट कोस्टाइल इन इंडिया ये मैंने आपको कई वीडियो में बताई है ठीक है तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है ये गुजरात है इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट द राइट आंसर है सत्य नडेला ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते क्वेश्चन नंबर नाइनटीन जो है सरबिला टेम्पल इज लोकेटेड इन दी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो राइट आंसर है इसका केरला नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हु हेज़ बीन द यंगेस्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया येस सो दंगेस्ट प्रेजिडेंट टू एज्यू ऑफिस वॉज नीलम संजीवा रेड्डी हु वॉज वॉज इनाग्रेटेड एट द एज ऑफ सिक्सटी फोर ईयर्स सिक्सटी सेवन डेज नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर ले खेलो इंडिया 2020 थाउजेंड ट्वेंटी वॉज हेल्ड इन सो इसका जो राइट right आंसर है वह है गुवाहाटी जो कि आसाम इंडिया में है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 22 है साथ साथ आप इसको नोट करते रहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको टोटल 50 क्वेश्चंस बताने वाली हूँ ठीक है क्वेश्चन नंबर 22 क्या है आईपीएल 2020 वाज होस्टेड बाय विच कंट्री सो कौन सी कंट्री थी वो थी यूएई थी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश सो जय राम ठाकुर जो है वो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है वंदे भारत एक्सप्रेस रन बिटवीन तो ये ये ट्रेन के बारे में आपको पता ही होगा सो so, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यू दिल्ली एंड वाराणसी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी ये आप लोगों को पता ही होगा चिकनकारी जो एम्ब्रॉयडरी है ये एसोसिएटेड विथ विच प्लेस ऑफ इंडिया आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रही है ये चिकनकारी ठीक है तो ये लखनऊ ये जो हमारे जो स्टेट है हमारे जो इंडिया में जो स्टेट है लखनऊ ये यहीं से ये एसोसिएट हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारथा समाज वो स्टैब्लिश्ड इन सो ये हुआ था एटीन जो कि मुंबई में किया गया था नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट तो मैक्सिमम नंबर है 552 552 मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इन 552 मेंबर्स ठीक है सो 530 मेंबर्स टू रिप्रेजेंट द स्टेट्स 20 मेंबर्स टू रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरीज एंड टू मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द एंग्लो इंडिया कम्युनिटी ठीक है तो ये थे एक्सप्लेनेशन uh, तो आप लोग इनको पढ़ लें तो टोटल तो जो नंबर है 552 है नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 एट सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउंड इन तो ये कब हुआ था द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउंड बिटवीन द फोर्सेस ऑफ सम्राट एंड चंद्र विक्रमादित्य पॉपुलरली कॉल्ड हेमू द हिंदू किंग हु वाज रूलिंग नॉर्थ इंडिया फ्रॉम दिल्ली एंड द आर्मी ऑफ अकबर ऑन नवम्बर फाइव फिफ्टीन फिफ्टी सिक्स ठीक है नेक्स्ट so, क्वेश्चन है हु इज द करंट बिहार गवर्नर सो फागू चौहान इज अ करंट बिहार ऑफ द गवर्नर ठीक है नेक्स्ट है विच इज़ द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन है ये नेशनल हाईवे जो है हमारा फोर्टी फोर एन एच फोर्टी फोर इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया विद द लेंथ ऑफ थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर्टी फाइव किलोमीटर्स रनिंग फ्रोम द श्रीनगर इन द नॉर्थ ऑफ कन्याकुमारी इन द साउथ तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ से रन करता है तो so, ये श्रीनगर से इन द नॉर्थ ऑफ कन्याकुमारी इन द साउथ नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टी वन इज द माउंटेन पास कनेक्टिंग जम्मू एंड श्रीनगर सो इसका जो राइट आंसर वो है बनिहाल पास अन पास अक्रॉस द पीर पंजुल रेंज एट द मैक्सिम एवेल्यूशन ऑफ टू थाउजेंड एट हंड्रेड थर्टी टू मीटर सो इट कनेक्ट द कश्मीर वैली इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू द आउटर हिमालय एंड द प्लेन्स ऑफ द साउथ सो मैंने यहां पर कुछ क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन विद आंसर एंड विथ एक्सप्लेनेशन भी दिए हैं ठीक है आप लोग इनको अच्छे से पढ़ लेना नेक्स्ट डे इन विच ईयर डि बंगाल डिविजन वॉज हेपन कौन सी ईयर में हुआ था यह इंपॉर्टेंट है नाइनटीन 1905, the partition separated the largely Muslim eastern areas from the largely Hindu western areas on 16 October 1905, after being announced on 19 July 1905 by Lord Curzon. So, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कब हुआ था, कौन से डेट पे हुआ था, तो ये हुआ था बस 16 October 1905. ठीक है? Next question की तरफ बढ़ते हैं. Question number 33. Sukanya Samriddhi Yojana is related to. तो आप लोग योजना और स्कीम्स प्लीज अच्छे से कर लेना एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में सो so ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है जिसे एस एस वाई भी बोला जाता है इज सेविंग स्कीम लॉन्च बैक इन 2015 तो ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि ये योजना कब आई थी तो कौन सी ईयर में आई थी ये 2015 में आई थी एज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इंटीएटिव बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन सो बेसिकली ये स्कीम क्या है द स्कीम इनेबल्स गार्डियंस टू ओपन अ सेविंग अकाउंट फॉर देयर गर्ल चाइल्ड विथ एनऑथराइज कमर्शियल बैंक और इंडिया पोस्ट ब्रांच ठीक है तो ये था सुकन्या समृद्धि योजना नेक्स्ट so, क्वेश्चन है सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं फर्स्ट है अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय मणिपुर मिजोरम नागालैंड एंड त्रिपुरा प्रायर टू इंक्लूजन ऑफ द स्टेट ऑफ सिक्किम इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया तो ये थे सेवन सिस्टर्स आपको पता होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टी फाइव हु इज द राइटर ऑफ राजा तरंगिनी तो ये कल्हाना अ कश्मीरी वॉज द ऑथर ऑफ राजा तरंगिनी तो ये द तो रिवर ऑफ किंग्स एंड अकाउंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टी सिक्स इंटरनेशनल वुमेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्च एट को मनाया जाता है नेक्स्ट है थर्टी सेवन कॉमन वेल्थ यूथ गेम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी होस्ट बाई So, इसका जो करेक्ट आंसर है द सेवेंथ कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स विद्यूल्ड टू टेक प्लेस फ्रॉम द ऑगस्ट दन टू सेवन ट्वेंटी वन इन त्रिन एंड तबागो एंड इज नाउ पोस्टपोन टू टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो ये पोस्टपोन कर दिया गया था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट गोबी डेसर्ट इज अ पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट राइट आंसर इज एशिया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन सैडल पीक इज सिचुएटेड इन राइट आंसर क्या होगा इसका अंडमान आइलैंड ठीक है नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्थ डे कब मनाया जाता है अर्थ डे ये मनाया जाता है ट्वेंटी टू अप्रैल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डेट से पूछ सकते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टी वन हुड ऑफ डी आर डी ओ सो राइट आंसर है सतीश रेड्डी हेड ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डी आर डी ओ ये इसका फुल फॉर्म है नेक्स्ट विच कंट्री डेवलप फर्स्ट कोविड नाइन्टीन वैक्सीन राइट आंसर है रशिया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री इज बी आई एम एस टी ई सी ये कौन सा मेंबर है सो so, ये मेंबर स्टेट्स आर बांग्लादेश इंडिया म्यांमार श्रीलंका थाईलैंड नेपाल एंड भूटान सो ये सारे मेंबर्स हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री कुशाल विकास योजना इज रिलेटेड टू सो पी एम के वी वाई एज अ स्किल डेवलपमेंट इंडिटेटिव स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रिक्नाइजेशन एंड स्टैंडशन ऑफ स्किल्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ एच इसका फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी सिक्स करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला सो कौन है वो है पेनराई विजयन नेक्स्ट है फोर्टी सेवन हु प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान सो राइट आंसर इज योशीहाइट सुगा नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सो कौन से फाउंडर सो आंसर इज ऑक्टिवेन सो so, हम 50 क्वेश्चन के काफी करीब आ गए हैं 49 नाइन क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 गिवन टू तो किनको को दिया गया था ये मैंने बताए आपको वीडियो में भी ठीक है तो रोहित शर्मा को दिया गया है क्रिकेट में और मरियपन को मिला है पैरा ओलंपिक में हाई जंप में ठीक है मनिका बत्रा को मिला है टेबल टेनिस में विनेश फोगट को मिला है रेसलिंग में एंड रानी रामपाल को मिला है हॉकी में नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ टैक्स इज जीएसटी Indirect tax GST is known as the goods and services tax. It is an indirect tax which has replaced many indirect taxes in India, such as the excess duty, VAT exercise tax, etc. सो टू थाउजेंड नाइनटीन में एम एन एस के पेपर में जी एस टी का फुल फॉर्म पूछा गया था और टू थाउजेंड ट्वेंटी में भी तीन चार काफ़ी so, फुल फॉर्म पूछे गए थे सो फुल फॉर्म प्लीज़ अच्छे से कर लेना आप लोग एव्रिविएशन ठीक है तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट एव्रिविएशन की वीडियो बना रखी है आप लोग जाकर प्लीज़ चेक करें तो ये थे इस वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट फिफ्टी क्वेश्चन अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ठीक है सो आई होप डियर एम एस ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा हो सो so, वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर करें एंड थैंक यू सो मच जय हिंद